तो पहले तो मैं आप पता है इन सब चीजों में पढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, अगर आपको गर्लफ्रेंड चाहिए या बॉयफ्रेंड चाहिए या आप किसी को पसंद करते हो तो उस पसंद का कारण क्या है? पहले तो वो समझना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो पसंद का कारण क्या है? क्या उस पसंद का कारण फिजिकल अट्रैक्शन है या फिर आप फिजिकली उससे अट्रैक्टेड हो या फिजिकली अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हो? अगर किसी से अट्रैक्ट होते हो तो अपने आप से प्लीज आप एक सवाल पूछिए कि आप उस सामने वाले बंदे या बंदी से क्यों अट्रैक्टेड हो? क्या आप लोग सच में उससे प्यार करते हो? तो अगर सच में प्यार करते हो तो आप लोग ये याद रखना कि उस केस में फिजिकल अटैचमेंट और फिजिकल सेटिस्फेक्शन वाली बातें नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर आप सिर्फ इस वजह से उससे अट्रैक्टेड हो ना तो इससे तो उसको तो नुकसान है ही है। मतलब आप जिससे फिजिकली सिर्फ फिजिकल अपने फिजिकल अट्रैक्शन को या फिजिकल सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए किसी से अगर आप अट्रैक्टेड हो तो उस बंदे या बंदी को तो नुकसान है ही है, क्योंकि आप लोग उसे यू नो फुल टाइम कमिटमेंट तो नहीं करने वाले कि मैं आपसे शादी करूंगा या ऐसा कुछ होगा नहीं। उसमें सामने वाले बंदे या बंदी को तो नुकसान है ही, आपका भी नुकसान है। अगर आप सच में उसे प्यार करते हो तो आपके थॉट प्रोसेस ऐसी चलनी चाहिए कि मैं लाइफ टाइम में शादी करूंगा, मतलब ये मेरी जीवन संगिनी बनेगी, मुझे फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में नहीं सोचना, अभी शादी के बाद ही ये सब चीजें करूंगा। क्या आप इसके लिए तैयार हो? अब देखो, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए आप किसी को प्यार कर रहे हो तो उसके सिंपल सी एक ही चीज निकल के आती है कि आपकी लाइफ में कोई एम या गोल ही नहीं।